So, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दवा के इस XVR को ऑनलाइन करने वाले हैं, मोबाइल पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दवा का DVR है और उस पर से एक कैमरा यहाँ पर कनेक्टेड है। उस कैमरा के सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ब्लू रेड और येलो कलर, जो कि आपको यहाँ पे कैमरा नंबर 1 में दिख रहा है। अब हम इस XVR को ऑनलाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, ऑनलाइन करने के लिए आपको आपके DVR में लॉगिन कर लेना है राइट क्लिक करके मेन मेन्यू पर। तो अगर आपने पैटर्न सेट किया है तो लॉगिन कर सकते हैं। पैटर्न लॉक अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे स्विच यूज़र पर क्लिक करके आपका जो एडमिन का पासवर्ड है वो डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पैटर्न से लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर मेरा DVR यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। ये जो मेन्यू आपके सामने आ रहा है, इस मेन्यू में सबसे पहले आपको नेटवर्क पर क्लिक करना है। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद नेटवर्क के सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो DVR है वो आपके इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। जो राउटर होता है इंटरनेट का, उस राउटर से एक केबल आप इसे कनेक्ट कर दें, या वाईफाई अगर आपके पास है तो वाईफाई अगर आप कनेक्ट करते हो, और वाईफाई USB डिवाइस अगर आप इसमें लगाते हो तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम वाईफाई से नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लैन केबल से कनेक्ट करेंगे। तो नेटवर्क ऑप्शन में आने के बाद यहाँ P2P का जो ऑप्शन दिखता है आपको, यहाँ पर आपको आपके डिवाइस का स्टेटस दिखाता है ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। तो यहाँ पर ये ऑफलाइन दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ये ऑनलाइन दिखा रहा है तो आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 पर जा सकते हो और वहाँ से आगे की आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको DVR आपका ऑफलाइन दिखा रहा है तो उसके लिए यहाँ पर हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च। मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सेकेंड स्टेप में आपको TCP/IP पर क्लिक करना है, और TCP/IP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास जो आपके DVR का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर रहा है 192.168.1.108। ये डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होता है किसी भी दवा के किसी भी DVR या NVR का। और यहाँ पर देखिए DHCP का स्टेटस यहाँ पे ऑफ बता रहा है। तो अगर आपकी केबल यहाँ पर DVR को कनेक्टेड है तो आप डायरेक्टली इसे ऑन कर सकते हो। अगर आपकी केबल कनेक्टेड नहीं है तो पहले आप आपकी केबल कनेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे मेरे राउटर से जो केबल आ रही है वो केबल यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ इस DVR में, इस XVR में। तो मैंने यहाँ पे केबल कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे केबल कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे DHCP का जो ऑप्शन है, जो बटन है, उसे मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ। तो इनेबल करने के लिए आपको ये यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन बना होता है मॉडिफाई का, उस पर क्लिक करना होता है। और यहाँ पर आप DHCP का जो बटन है उसे इनेबल कर सकते हो। उसे इनेबल करने के बाद आप जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो आपका जो DVR है या XVR है वो आपके राउटर से IP एड्रेस ले लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही IP एड्रेस जो है उसे DVR ने असाइन कर दिया है 192.168.1.108। राउटर ने वही IP एड्रेस DVR को असाइन कर दिया है। उसके बाद आप वापस से यहाँ पे आपका जो P2P का ऑप्शन है उस पर आते हो, और P2P के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। तो जैसे ही आपका ये स्टेटस ऑनलाइन हो चुका है, मतलब हमारी यहाँ पे 2 नंबर की जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुकी है, और 3 नंबर की स्टेप भी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि हमारा जो DVR का स्टेटस है वो ऑनलाइन आ चुका है। अब आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप QR कोड देख रहे हो, ये QR कोड आपके मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड करना है उसके लिए आप QR कोड स्कैन करना है, तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिस एप्लीकेशन की मदद से आप आपके दवा के DVR को ऑनलाइन देख सकते हैं। ये जो आपको QR कोड दिख रहा है डिवाइस SN जिस पर लिखा आ रहा है, तो ये आपके डिवाइस का सीरियल नंबर है, मतलब इस DVR का सीरियल नंबर है कि आपको जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे उसके बाद इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस QR कोड की। तो चलिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल में सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं स्कैनर से जो है, तो यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए उसका QR कोड यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास URL आ चुका है। मैं यहाँ पे गो टू वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, और गो टू वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन का नाम आ चुका है ईजी व्यू प्रो। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ से इसे जो प्ले स्टोर की जो वेबसाइट पर मुझे डाइवर्ट किया है यहाँ से, मैं वहाँ से इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमें हमारे DVR का जो सीरियल नंबर है वो उस एप्लीकेशन में ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल में, और यहाँ पर ये स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है, मैंने उसे अलाउ कर दिया है। उसके बाद सिंपली ये आपको यहाँ पर पूछता है कि आपका कंट्री कौन सा है, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे कंट्री में। ईजी व्यू प्रो का यहाँ पे हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे हमें जो करना है
डिवाइस ऐड करना है। तो डिवाइस ऐड करने के लिए आप यहाँ पे कॉर्नर में जो प्लस आइकन देख रहे हो उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे SN स्कैन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे कैमरा की परमिशन हमें देना पड़ेगी। तो अब की बार आपको जो स्कैन करना है एप्लीकेशन के अंदर से, वो आपको आपका डिवाइस का सीरियल नंबर वाला हिस्सा स्कैन करना है या सीरियल नंबर वाला QR कोड स्कैन करना है। तो यहाँ पे देखिए QR कोड स्कैन हो चुका है, और सिंपली यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मोबाइल में, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ वो मुझे पूछ रहा है कि डिवाइस कौन सा है आपका, वायर्ड कैमरा है, NVR है, DVR या XVR है। तो हमारा DVR या XVR है, हम DVR और XVR पर क्लिक कर देते हैं, और डिवाइस का नाम यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग डाल देता हूँ अपने डिवाइस का नाम, क्योंकि हम ये टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पे आपको आपके DVR का यूज़र नेम एडमिन बता दिया है ऑलरेडी, अगर यूज़र नेम आपने चेंज किया है तो आप वो जो भी चेंज किया है वो डाल दें, और जो डिवाइस का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर डाल दें। तो मैं यहाँ पर डिवाइस का जो पासवर्ड है वो डाल देता हूँ, मैंने जो सेट किया था। और आप अगर देखना चाहते हो पासवर्ड, तो आप यहाँ पर जो एक आई सिंबल आपको दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पासवर्ड शो कर देगा, और वापस से आप उसे क्लिक करके पासवर्ड को हाइड कर सकते हो, और सेफ पर आपको क्लिक कर देना है। सेफ पर क्लिक करते ही आपका DVR यहाँ पे सेफ हो चुका, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने जो व्यू दिख रहा है अभी आपको, मैं एक बार यहाँ पे व्यू चेंज कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो फुल स्क्रीन पर यही व्यू दिख रहा है, और यहाँ पर हमारे मोबाइल में भी सेम वही व्यू दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल को भी फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पर कोई मूवमेंट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको मोबाइल में सेम एज इट इज़ वही व्यू दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हलाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा के सामने मैंने यहाँ पे ब्लू वाला ऑब्जेक्ट ला लिया है, और यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये आपको दोनों भी तरफ एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो हमारा DVR यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है, और आप चाहे तो दूसरे डिवाइसेस पर भी, मल्टीपल डिवाइसेस पर भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हो तो आप आपका जो मोबाइल है आप उसे सिंपली टर्न कर दे, तो आपका जो कैमरे का व्यू है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, और आप उसे जूम करके भी देख सकते हो, और प्लेबैक भी आप मोबाइल ऐप पर देख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसमें हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं की है, तो प्लेबैक हम देख नहीं पाएंगे, तो आपको उसके लिए मैं किसी अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप कैसे प्लेबैक चेक कर सकते हो। सो होप सो फ्रेंड, इस वीडियो की मदद से आप आपके दहुआ के DVR को ऑनलाइन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, जो प्रोसीजर आपको बताया गया, वो आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आपको आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।